अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो फुड फैम, कैसे हो आप सब लोग? कमेंट्स में बताओ अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर। आज है रमजान रेसिपी सीरीज का डे 23। हम आपको जुमा के लिए बैंगलोर स्पेशल दालचा की रेसिपी शेयर करेंगे जो ऑलमोस्ट कई बैंगलोरियंस के घर में फ्राइडे के दिन पकता है और यूजुअली उसके साथ खुशका और चिकन कबाब के साथ बड़े मस्त तरीके से खाया जाता है। अगर आप बिरयानी से बोर हो गए तो ये कद्दू की रेसिपी बनाइए बैंगलोरियन स्टाइल में। लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। सबसे पहले हम कुकर में 300 ग्राम सोक किया हुआ चने की दाल डालेंगे, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, हाफ लीटर वाटर डाल के दैट इज पानी अच्छे तरीके से इसे गला लेंगे चने की दाल को। हमने यहाँ पे करीब 5 से 6 सीटी लगाए हैं। आप अपने कुकर के हिसाब से चने की दाल को अच्छे तरीके से गला लें। हमारा चने की दाल अच्छे तरीके से गल गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। दाल घोटनी हम बोलते हैं बैंगलोर में, इसे अच्छे तरीके से घोटे या फिर मैशर की हेल्प से, या फिर आपके पास हैंड ब्लेंडर है देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस ब्लेंडर। फिर हम एक जार में थोड़ा सा डालेंगे कोकोनट दैट इज खोपरा, 2 टमाटर और 2 प्याज, इसको हमने मोटा क्यूब की तरह कट किया है क्योंकि हमें पीसना ही है। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा कोथिमीर दैट इज कोरिएंडर लीव्स। फिर हम डालेंगे पानी 2 टेबलस्पून और इसे रफली हल्के हाथों से दरदरा पीस ले और हमारा ये अनियन एंड टोमेटो पेस्ट इज रेडी। इसे हम साइड में रख लेते हैं। अभी हम गैस पर चढ़ा देंगे एक बड़ी कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल और 2 बड़े प्याज डालेंगे चॉप किया हुआ। इसे हम सॉटे कर लेंगे फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स अंटिल द अनियंस आर कम्प्लीटली ब्राउनिश इन कलर। अच्छे तरीके से हमारा अनियन ब्राउन हो चुका है। अभी हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून। स्पाइसेस में हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो डालेंगे, जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से डालने के बाद मिक्स करेंगे। और हमने डाला है यहाँ पर चॉप टमाटर 2। फिर थोड़ा सा हम पानी डाल के टमाटर को अच्छे तरीके से मसालों में मिक्स करेंगे और स्लाइटली हम मैश करेंगे। फिर हम डालेंगे जो प्रिपेयर किया हुआ था अनियन एंड टोमेटो का पेस्ट, वो डालेंगे। देन द फाइनल इंग्रेडिएंट वो है कद्दू, लौकी भी इसे बोला जाता है। 750 ग्राम इसे हम डालेंगे। इसको हमने बेसिकली बाहर का छिलका ना वो पील किया है एंड उसके अंदर के सीड्स निकाले हैं और इसे ऐसे क्यूब्स में हम कट करके डाले हैं। देन वी कैन ऐड प्रिपेयर किया हुआ चने की दाल जो अच्छे तरीके से गला हुआ है और थोड़ा सा मैश किया हुआ है, वही दाल डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये चने की दाल हमारे मसालों में अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए। अच्छा फ्लेवर आने के लिए हमने यहाँ पर डाला है खट्टी भाजी 200 ग्राम। हमने यहाँ पर आधा लीटर पानी डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा कम। यूजुअली ये रसम की तरह कंसिस्टेंसी होना चाहिए, इसीलिए हमने थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया है। अब इस सारे मसालों को मिक्स करने के बाद वी गोना कुक ऑन मीडियम टू हाई हीट फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, जब तक कि हमारा कद्दू अच्छे तरीके से अंदर से गल ना जाए। लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स दैट इज हरा धनिया। एज यू कैन सी हमारा दालचा अच्छे तरीके से पक रहा है, बबल्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट लग रही है और हमारे कद्दू भी अच्छे तरीके से अंदर से गल गए हैं। अभी गर्म है, मैं बाद में तोड़कर दिखाऊंगी। नाउ स्विच ऑफ द फ्लेम एंड सर्व हॉट। एक बाउल में हम सारा दालचा निकाल लेंगे ताकि सर्व करने के लिए आसानी रहे और हमारा बैंगलोर स्टाइल दालचा इज रेडी। यू हैव टू एंजॉय दिस विद खुशका एंड साथ में हमने चिकन कबाब और थोड़ा प्याज, थोड़ा कुकुम्बर और नींबू के साथ मस्त तरीके से एंजॉय किया है। हमारा फ्राइडे तो अच्छे तरीके से गुजरा। अगर आपको भी अच्छे तरीके से गुजारना है अच्छे खाने के साथ देन यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट अस नो द फीडबैक इन द कमेंट सेशन। स्टार्टिंग में भी हमने एक क्लिप कद्दू का दिखाया है, अभी हम दिखाते हैं। हमारा कद्दू भी अच्छे तरीके से गल गया है, हमने खुला पकाया है तो उसका अच्छा फ्लेवर भी आ रहा है, एक निवाला हमारे मुंह में। बहुत खूब, उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इंशाल्लाह नए रेसिपीज के साथ आते रहेंगे, तब तक प्लीज स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।